कि श्याम बाबा भी स्वयं गौ उपासक है बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि श्याम बाबा की आधी अधूरी कथा ही लोग सुनाते हैं, मूल कथा बताते नहीं, सिर्फ महाभारत से जुड़ी हुई कथा को बता देते हैं, कलयुग से जुड़ी हुई कथा को छोड़ देते हैं। बरबरी के त्याग से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने यह तो कहा कि मेरे नाम से तुम पूजे जाओगे, लेकिन कलयुग में तुरंत नहीं, ये कहा कि ऐसा कलयुग में होगा, क्योंकि किसी भी पूजा के लिए आश्रय बहुत जरूरी है। इस धरती पर कलयुग में पूजा उसी की हुई है जिसका संबंध गौ से रहा है। एक भी ऐसा उदाहरण आप बता दीजिएगा जिसमें गौ की उपासना नहीं करने वाले की भी पूजा होती हो। जितने भी लोक देवता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कांदला से लेके कोहिमा तक, कईयों का डेटा हमारे पास है, सबके जीवन में गौ रही। उस समय बरबरी को आशीर्वाद मिल गया ठाकुर जी का, कन्हैया जी का, कि कली काल में है शीश के दानी, मेरे नाम से तुम पूजे जाओगे। तो फिर कलयुग में इस घटना को बल के लिए कुछ तो चाहिए। तब बरबरिक ने ही खाटू नाम के गांव में, जो राजस्थान में स्थित है, वहां पर एक राजपूत के घर में जन्म लिया। ईश्वर प्रेरणा से परिवार वालों ने नाम रखा श्याम। आगे जाकर के वो ठाकुर बने तो नाम हो गया ठाकुर श्याम सिंह। मुगल काल था, कुछ दुष्ट मुगल गोगाती गाय माताओं का हरण कर रहे थे। ग्रामवासी गए ठाकुर साहब त्राही माम, हमारी गैया को दुष्ट ले गए, बछड़े रो रहे हैं। श्याम सिंह जी उसी समय अपने घोड़े पर सवार हुए और उन लोगों से युद्ध किया। उस युद्ध में गाय माताओं को तो बचा लिया, लेकिन श्याम सिंह जी, उन पापियों के हाथों उनका सिर गर्दन से अलग हो गया। जहां वो सिर गिरा वहीं पर खाटू बाबा का सिर प्रकट हुआ। ये अंदर की कथा निवेदन कर रहा हूं आपको। आज भी उन्हीं का परिवार वहां पुजारी है। सभी देवताओं का संबंध गौ से है, गौ से ही देवत्व प्रकट होता है। इसलिए हमें ईश्वर से नाता जोड़ना है तो गौ से नाता जोड़ना पड़ेगा। श्याम उपासक बनने के लिए गौ सेवक बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मुर्दे की मालिश वाला मामला हो जाएगा। किसी का प्राण निकल जाए फिर तेल की मालिश करो तो कोई फायदा है क्या? नहीं। उसी प्रकार गौ सेवा किए बिना अगर हम बाबा की उपासना करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। और अगर गौ की सेवा करते हैं हम और फिर बाबा की उपासना करेंगे तो फिर बाबा आपको वो सब देंगे जो न्यायोचित है।